Hey guys, welcome back to my channel. My name is Priyal and आज का vlog है Dubai layover vlog. And Dubai गई हूँ and vlog नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता. I have vlogged it for you guys and एक चीज मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ कहाँ गई. ज़्यादा बड़ा layover नहीं था but 13 hours का ही था. 13 hours में हमें सोना भी था क्योंकि हम flight operate करके आए थे, so rest भी चाहिए थी. And सब कुछ like you know it was very difficult for us to manage, but हमने फिर भी किया because दुबई layover हर बार नहीं मिलता. So yes, and आप देख सकते होंगे अगर आपने मेरा पिछला vlog देखा होगा तो आपको कोई similar crew दिख रही होगी मेरे साथ में. And yeah, so Jessica who was with me पिछले vlog में, उसको मेरे साथ फिर से flight मिली थी. And we were so excited and we wanted to enjoy it to the fullest. And actually in the start we were deadheading. Deadheading is basically क्या कि हमें ऑपरेट नहीं करना है बट हम यूनिफॉर्म के साथ बैठेंगे एंड हम एज अ पैसेंजर बैठ के जाएंगे. दैट इज़ वॉट deadheading means. एंड वही हम कर रहे थे. एंड आफ्टर दैट आर पैटर्न वॉज बॉम्बे टू दुबई deadhead. सो दुबई में वी वॉन्टेड टू गो टू बुर्ज खलीफा एंड कॉज यू नो अगर आप बुर्ज खलीफा नहीं गए दुबई जाके सो आप क्या ही गए. सो वी वेंट देयर. आपको सब एक एक करके दिखेगा. आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन. सो स्टे ट्यून्ड. आफ्टर सो लॉन्ग एज अ पैसेंजर हम लोग जा रहे थे सो इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग बिकॉज मतलब आप एवरी डे फ्लाइट में जाते हो बट यू आर अनेबल टू सी सच अ ब्यूटिफुल व्यू एवरी टाइम बिकॉज आप काम में इतने बिजी हो जाते हो. सो आई हैड टू ग्रैब दिस व्यू फॉर श्योर. इन द दुबई एयरपोर्ट वहाँ पे मेट्रो थी लिटरली. मतलब चलने के बजाय आप मेट्रो से जाके अराइवल्स पे पहुँचोगे विच इज सो कूल एंड सो थॉटफुल. मतलब मुझे तो यार मज़ा ही आ गया कि कुछ ऐसा भी हो सकता है टर्मिनल के अंदर मेट्रो. आपने कभी इमेजिन किया था? मैंने तो कभी भी नहीं किया था. एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट. मतलब लिटरली जैसे कि असली में मेट्रो आती है ना वैसे हर दो दो मिनट में एक 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 मेट्रो आ रही थी. एंड नॉट दैट बिग कॉज बट जैसे छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स वाली मेट्रो थी. एंड आई रियली लव्ड इट. आई रियली लव द आइडिया. देख सकते होगे नोन फेस मेरे पिछले व्लॉग से. एंड हम मज़े करने वाले हैं बिकॉज 13 घंटे का ही मिला है हमें टाइम. एंड ओके सो अबाउट द सिम कार्ड. आपको एयरपोर्ट पे सिम कार्ड मिलता है एंड एवरीवन गेट्स इट. ठीक है सो आपको अगर आप एक दिन के लिए आए हो जैसे कि हम एक दिन के लिए आए थे सो फॉर अस देयर इज अ फ्री 1 GB इन दैट सिम फॉर 1 डे. वो आपको एक्टिवेट करना होता है, आप जब मर्जी करो एक्टिवेट. ठीक है एक SMS भेजना होता है, वो सब कुछ लिटरली सब कुछ उसके अंदर होता है. इवन द पिन, वो जो पिन होती है ना जो सिम कार्ड को निकालती है वो तक होता है दिया हुआ उन्होंने. सो एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड विच इज़ सो नाइस. एंड इफ़ यू आर यू नो ट्रैवलिंग फॉर अ डे और टू आई थिंक इट इज़ अ मस्ट क्योंकि आप ओला उबर या कुछ भी मतलब उबर कुछ भी आप बाहर करते हैं वहाँ पे सो यू नीड नेट टू कॉल द उबर. सो उसके लिए एटलीस्ट यू नो it actually helped a lot. So I really like the idea of this. We finally reached Marriott and Marriott hotel ka view. Oh my god, I'll show you guys. It was amazing. And of course bathtub tha and bathtub mein main kyun nahi jaungi? Of course jaungi. So yes, it was fun.
ओके गाइस, सो अभी हमारा जो होटल है वो शटल बस प्रोवाइड कर रहा है एंड उसमें टाइमिंग्स दिए हुए थे उन्होंने. सो अभी हम पहुँचे हैं, अभी क्या टाइम हो रहा होगा यहाँ पे, आई थिंक अराउंड 11 कुछ, अभी 11 हो रहा होगा. एंड द शटल बस गोज अराउंड, मतलब ऐसे स्लॉट्स होते हैं कि शटल बस 12 बजे जाएगी, फिर एक जाएगी 2, एक जाएगी 4 को, एक जाएगी 8 को, ऐसे ऐसे शटल बस के टाइमिंग्स हैं होटल से. सो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी कोई भी टाइमिंग ले सकते हैं. सो वी थॉट कि 4 बजे जाते हैं, तब तक हम थोड़ा सो वो लेंगे, रेस्ट कर लेंगे एंड क्योंकि हम लोग को रात को निकलना है टू ऑपरेट अ फ्लाइट. सो या सो हम लोग अभी जाएंगे, थोड़ा रेडी वेडी होंगे, रेस्ट करेंगे एंड देन शटल बस में बैठेंगे. शटल बस आपको डायरेक्टली उधर पहुंचा देगी मॉल पे एंड मॉल के अंदर बुर्ज खलीफा एंड ऑफकोर्स आप दुबई आए हो और बुर्ज खलीफा नहीं घूमे हो, ऐसा नहीं हो सकता. सो हम लोग वहाँ पे ही जाएंगे एंड या मैं आपको सब व्लॉग करके दिखाऊंगी एंड आई होप यू एंजॉय इट. एंड या ऑल्सो हम लोग को एक सिम कार्ड भी मिलता है एयरपोर्ट पे फ्री, बट आपको उसके अंदर ऑब्वियसली रिचार्ज एंड ऑल कराना होता है. एंड आई थिंक वाइल पासिंग बाय एयरपोर्ट से आई सॉ कि 55 AD वॉज द स्टार्टिंग. सो आई थिंक अगर आप लोग लाइक यू नो फॉर 5-6 डेज की ट्रिप पे आ रहे हो, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट सिम कार्ड. आपको मतलब सिम भी नहीं खरीदने की ज़रूरत, आपको सिर्फ रिचार्ज करना है, विच इज़ सो नाइस. एंड ऑल्सो इनके एयरपोर्ट का आई लव्ड इट सो मच द सिस्टम कि अंदर मेट्रो चल रही थी एयरपोर्ट के, दैट यू डोंट हैव टू वॉक इनसाइड द एयरपोर्ट, मेट्रो चल रही थी, विच इज़ लाइक सो थॉटफुल. कितना स्मार्ट आइडिया एंड इतना कूल एंड वेरी कम्फर्टेबली वी रीच द एयरपोर्ट एंड इमिग्रेशन एंड ऑल वी क्रॉस्ड एवरीथिंग. सो इट वॉज अमेजिंग. मैंने आपको वॉशरूम तो दिखाया नहीं, मेरी स्पेशलिटी बताने की. ओ माई गॉड, नो नो, वी हैव अ बटर. व्हाट, वी हैव अ बटर, वी हैव अ बटर. सो नाइस. देखो यहाँ पे सब दिख सकता है, लाइक आज वॉशरूम से सब. सो कूल, वाव वाव वाव. ओके गाइस, एंड आई एम रेडी. व्हाट, बुर्ज खलीफा, वाह. सामने देख क्या है, एंड फाइनली हम बुर्ज खलीफा पहुंच गए थे. एक्चुअली दुबई मॉल के अंदर ही अंदर आप जाओ ना, सो आप बाहर जैसे ही निकलोगे ना, तो मतलब दुबई मॉल के सराउंडेड है ये बुर्ज खलीफा. सो मतलब इट वाज सो अमेजिंग, सो हैपनिंग इट वाज दैट आई रियली लव्ड इट. क्या मस्त है यार, डैम. ऐसे वो नहीं होता क्रॉसवे, अच्छा मैं रियलाइज कर रही हूँ गिरा. मैं तो जाता था किसी के पास जो उड़ के जाते हैं. हाँ अंदर नहीं जाएंगे तो क्यों आया पे. डेज, ओके, अकॉर्डिंग टू जेसिका ये रुका है 5-6 डेज टू कंप्लीट दिस होल. वो बोलते हैं ऐसे 5 दिन में तुम सफारी करो, ये करो, एक दिन पूरा 5 दिन तुम्हारा इसमें जाए. कैन यू सी इट गाइस, कहाँ पे
शार्क थोड़ी कम, अबे शार्क ही हो पागल। We shopped a bit and थोड़ा बहुत ही लिया because बहुत expensive था। यहाँ पे लाइन लगी हुई है और इन्होंने इतना महंगे टिकट लगाए हुए हैं एंड अगर आप अगले दिन लो ना सेम टिकट तो आपको हाफ रेट में मिलेंगे एंड ये सच है, मैंने यहाँ पे पूछा और यही हुआ है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि आप पहले ही बुक करवा लो अगले दिन के लिए। We are waiting for our food. मैम का खाना आ गया है, मेरा फूड भी आ गया है, अब हम खाएंगे। The night view of Burj Khalifa was like oh my god, and also वहाँ पे every 20 minutes में water show हो रहा था which was so cool and बहुत बहुत ही अच्छी vibe आ रही थी वहाँ से, बहुत ही enjoyable सा मौसम था वहाँ पे and बहुत मज़े आ रहे थे। बहुत सारी photos ली थी हमने, you can check my Instagram, उसमें मैंने upload किए हुए pictures and बहुत photos ली थी हमने and enjoyed a lot, बहुत मजा आया था। We were back by 8:50 आई थिंक, तो उसके बाद जैसे हम आए मैं चेंज की एंड वी हैड अ फ्लाइट टू ऑपरेट रात को, सो थोड़ा सा लेट ही, ज़्यादा टाइम तो नहीं था, थोड़ा सा लेट ही एंड देन दुबई टू कैलिकट आई हैड द पैटर्न, आई हैड टू ऑपरेट एंड देन कैलिकट टू बॉम्बे बैक डेड हेड अगेन। सो इट वॉज अ ग्रेट पैटर्न एंड आई रियली विश कि मुझे वापस से वाला पैटर्न मिले बिकॉज आई रियली एंजॉयड इट अ लॉट। आई रियली रियली एंजॉयड दुबई एंड आई होप टू गेट द दुबई लेओवर सून so that I can explore more and I hope you enjoyed the video and